सुदामा जी गरीब क्यों हुए? प्यारे संतों जी, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी के बचपन के साथी सबसे प्रिय मित्र सुदामा जी इतने गरीब क्यों हुए, इतने दरिद्र क्यों हुए? तो कुछ महापुरुष बताते हैं कि उन्होंने सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से चुरा कर चने खा लिए थे, इसकी वजह से गरीब हो गए, बिना बताए ही चने खा गए, इसके लिए गरीब हो गए। लेकिन उनके दरिद्र होने का असली कारण क्या है, आइए 2-3 मिनट की ये कहानी है सुनते हैं। इस कहानी में इसका उत्तर भी है। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज और सुदामा जी गुरुकुल में रहा करते थे और जब जंगल में जाने लगे तो गुरु माता ने उन्हें चने दिए और सुदामा जी को चने देकर गुरु माता ने कहा कि ये दोनों लोग आपस में बांट कर खा लेना। सुदामा जी गठरी ले लिए, पोटरी बनाकर चल दिए जंगल में। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पेड़ पे चढ़े हुए थे और सुदामा जी को जोरों से भूख लगी और उन्होंने चने खाना चालू कर दिए। कट कट की आवाज हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, सुदामा जी क्या कटकटा रहा है? सुदामा जी ने कहा, ठंड लग रही है और हमारे दांत कटकटा रहे हैं। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को बिना बताए ही चने खा लिए, उनके हिस्से का भी चना खा गए, इसके लिए भी वो गरीब नहीं हुए। गरीब क्यों हुए सत्संग? प्यारे संतों जी, तो उसका एक ही कारण है कि शुरू में ही आया कि गुरु माता ने उन्हें चने दिए और गुरु माता ने कहा कि पुत्र सुदामा, ये चने आपस में बांट कर खा लेना। ध्यान देने योग्य ये बात है कि गुरु माता ने कहा, यही उत्तर है। गुरु माता ने कहा था कि दोनों लोग चने बांट कर आपस में खा लेना, लेकिन सुदामा जी ने गुरु माता की बात नहीं मानी। तो ये वचन न मानने के कारण ऐसी दशा हो गई सुदामा जी की। तो इसीलिए हमारे गुरु माता का जो वचन आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। गुरु माता भी होता है, पिता भी होता है। तो गुरु माता का जो वचन आए उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे तो आप सभी तो खुद ज्ञानी हैं। आप सोच सकते हैं सुदामा जी ने एक बार गुरु माता की बात नहीं मानी तो कितने दुख झेलने पड़े। अगर हम गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु के वचन नहीं मानेंगे, इसीलिए आज देख भी रहे हैं कैसा समय आ गया है। तो वचन मानना ही भक्ति है। हमें वचन मानना आ जाए, जिस दिन गुरु की बात मान जाएंगे, गुरु की रजा में रहना आ जाएगा, उस दिन सारे सुख सारे वैभव आपको मिलते चले जाएंगे। कहा भी गया है कि जिस धन और वैभव की खातिर मानव दौड़ लगाता है और सतगुरु की सेवा से वह धन स्वयं ही दौड़ आ जाता है। प्यार से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।